नमस्कार, आप देख रहे लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनावी समर चल रहा है और लाइव सिटीज आपको चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर बता रहा है। हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन से विधानसभा सीट पर क्या सही समीकरण है, वहां पर क्या कुछ विपरीत जा रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां किस मजबूत स्थिति में इस बार चुनाव में दिखाई दे रही है। इन सब के अलावा अब लाइव सिटीज एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आया है एक नया शो, बिहार चुनाव में काबा। जी हाँ, ये स्पेशल सीरीज लाइव सिटीज की आज से शुरू होने जा रही है। इसमें मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर होंगे और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी का बोलबाला इस बार चुनाव में दिख रहा है, कौन सी पार्टी किस स्थान पर मौजूद है और कौन से विधानसभा सीट पर आखिर क्या कुछ समीकरण फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे और जैसा कि इस शो का नाम है तो उसी में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आखिर बिहार चुनाव में काबा। देखिए, बिहार चुनाव में काबा अभी तो बहुत कुछ चुपके चुपके बा जी, चुपके चुपके बहुत कुछ चल रहा है और भीतर भीतर बहुत कुछ चल रहा है। लोजपा का खेल जी, राजद का चुपके चुपके टिकट बांटना, तो ये सारे खेल चल रहे हैं। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार चुनाव में काबा। और हमारी कोशिश ये होगी कि प्रतिदिन कम से कम 10 विधानसभा क्षेत्रों का ताजा हाल क्या है जरूर बताएं अपने दर्शकों को। जी जी जी। और आज जब हम शुरुआत करें तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी से शुरुआत करते हैं कि आखिर वहां पर इस बार क्या उनकी रणनीति है, कितने मजबूत हैं। तो सबसे पहले शुरुआत राजद से ही कर लेते हैं। देखिए सिप्रा, मैंने पहले ही कहा कि चुपके चुपके राजद में अब भी बहुत कुछ आधिकारिक नहीं हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जी, कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हो रही। बिल्कुल चुपके चुपके रात में 2 बजे 3 बजे सिंबल दे दिए जा रहे हैं। किसी को सिंबल देने की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज पर दी जाती है या उनके समर्थक या जो सिंबल लेकर निकल रहे लोग हैं वो डाल देते हैं जी। अब क्या परेशानी हो रही है मीडिया को ऑफिशियल जानकारी देने में, क्या झंझट है और क्या विद्रोह का डर है, यह बात समझने की है। दूसरी बात, अब तक राजद का कैंपेनिंग प्लान तय नहीं हो पाया है। वैसे खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर कल, मतलब तारीख हो जाएगी 13 अक्टूबर को उड़ने वाली है और वे सबसे पहले जा रहे हैं हसनपुर, जहां से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, मतलब लालू यादव के बड़े लाल जी, नामांकन भरने जा रहे हैं। तो उनके इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो रही है हसनपुर से, लेकिन अब तक उनकी लिस्ट फाइनल नहीं है उम्मीदवारों की। उम्मीदवारों की लिस्ट यदि किसी ने फाइनल की है तो वो जेडीयू है, जिसने अपनी सूची बाजाब्ता जितने सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना था उन्होंने जारी कर दी है। बीजेपी भी पिछली हुई है लेकिन बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट आ जाती है, लेकिन आरजेडी की ऑफिशियल लिस्ट नहीं आ रही है। कभी ये हो रहा है कि कभी इन्हें सिंबल मिल रहा है, कभी उन्हें सिंबल मिल रहा है, इस तरीके के झंझट में अब तक आरजेडी फंसी हुई है। यानी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सब कुछ अभी अंदर खाने ही किया जा रहा है, कुछ भी सीधे तौर पर साफ तौर पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो हमने पार्टी की बात की, अब आगे बढ़ते हैं, एक विधानसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत दानापुर विधानसभा सीट से। देखिए सिप्रा, दानापुर विधानसभा की खबर यह है कि रितलाल यादव को आरजेडी का टिकट मिलता हुआ दिख रहा है जी, या यूं कहें कि मिल गया दिखता है। उनके समर्थक दानापुर में लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। रितलाल यादव कौन है आपको पता है, उनकी पहचान डॉन के रूप में रही है, अब भी एमएलसी हैं। लेकिन आरजेडी के समक्ष परेशानी ये थी कि दानापुर में लड़ाएं किसे। देखिए मोकामा में उन्होंने जब अनंत सिंह को लड़ाने का फैसला कर लिया तो दानापुर का सवाल था। दानापुर में समस्या ये थी कि वे किसी भी उम्मीदवार बना देते, चाहे वो करिश्मा राय होती या राजकिशोर राय के परिवार से कोई होता। राजकिशोर राय 2015 में चुनाव लड़े थे, तब भी रितलाल यादव चुनाव लड़ते ही लड़ते, और रितलाल यादव की इतनी हैसियत है कि वे आरजेडी को हरा देते। पिछले चुनावों में भी वे ऐसा ही करते आए हैं। तो ऐसी सूरत में देखिए, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है आशा सिन्हा को, वहां एलजेपी का उम्मीदवार होना नहीं है। तो रितलाल यादव को टिकट मिल गया है,
यह आप मान सकते हैं। मतलब दानापुर में रीतलाल यादव बनाम आशा सिन्हा होने जा रहा है, ये दानापुर की लेटेस्ट खबर है। बिल्कुल, और वहां पर लड़ाई जो होगी इस बार की थोड़ी बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलने वाली है। हमने एक पार्टी के बारे में बात की, एक विधानसभा सीट के बारे में बात की, अब फिर से चलते हैं पार्टी के ऊपर। जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे बीजेपी के बारे में कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बीजेपी ने रैली की शुरुआत कर दी, कल जेपी नड्डा ने गया के गांधी मैदान में रैली की और अब पूरी कैंपेनिंग उनकी शुरू हो गई है। भूपेंद्र यादव का भी हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है, सुशील कुमार मोदी का भी हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है, देवेंद्र फडणवीस का भी हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है। आज सुशील मोदी झंझारपुर भी गए, बारसलीगंज भी गए, भूपेंद्र यादव भी नामांकन में पहुंचे, तो वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचने लगे हैं। ठीक है, कोरोना की जो चुनौतियां हैं और जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ग्राउंड जीरो पर आ गई है, कैंपेनिंग की शुरुआत हो गई है और नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार तक का सिलसिला बीजेपी का शुरू हो चुका है। मतलब एक कदम वो हर पार्टी से कहीं ना कहीं आगे चल रही है, वर्चुअल के साथ साथ एक्चुअल रैली भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बात मोकामा विधानसभा सीट की, क्योंकि यहाँ पर ये हॉट सीट बना हुआ है इस बार, अभी जिक्र भी कर रहे थे हम लोग। देखिए, मोकामा मैं बार बार कहता हूँ, मोकामा मतलब दबंग। मोकामा में लेटेस्ट क्या है कि मोकामा में अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह से चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है ये सबों को पता है। तो जेडीयू ने इस बार एक नया प्रयोग किया कि राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह को प्रत्याशी बना दिया, जो गुमनाम रहे हैं, राजनीति में जाने ही नहीं जाते हैं। वे कितना लड़ पाएंगे अनंत सिंह से, यह आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है मोकामा से लेकर पटना तक। और मोकामा जैसा आपने कहा हॉट सीट, मोकामा पर नजर देश दुनिया की मीडिया की भी है। लेकिन इस बीच हुआ यह है, आज जिस की चर्चा करना जरूरी है कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे ललन सिंह, जिन्हें लालो कहते हैं, वे भी शंकरवार टोला के हैं, सूरजभान सिंह के परिवार से आते हैं, उनके करीबी हैं। और राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह, जिन्हें अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया है, वे भी शंकरवार टोला के हैं। मतलब शंकरवार टोला में ही ललन सिंह जो पहले लड़ते रहे थे और अब नए वाले जिन्हें संत जी कह लीजिए, महात्मा जी कह लीजिए, जो लड़ रहे हैं, ये दोनों एक ही टोले के हैं। तो आज ललन सिंह ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। अच्छा। और पोस्ट में लिखा है कि वे किस तरीके से धोखा खाए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, मैं चुप बैठ गया, जेडीयू ने फैसला किया कि राजीव लोचन अशोक सिंह को चुनाव लड़ाएंगे, मैं चुप बैठ गया। मेरे घर जब मेरे पिताजी की मौत हुई थी, ललन सिंह लिख रहे हैं, शंकर बाटुला वाले जो पहले अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो नीतीश कुमार आए थे, ललन सिंह आए थे सांसद, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन जो फैसला हुआ। तो ललन सिंह ने आज यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने चुप बैठने का काम जरूर किया है, लेकिन राजनीति त्यागने का काम नहीं किया है। उन्हें इस बात का मलाल है कि जेडीयू के लोग ही ये 20 बमन कर रहे हैं कि वे 300 करोड़ रुपए के ठेके के लिए या एमएलसी बनने के लिए उन्हें ऑफर किया गया है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ललन सिंह ने कहा कि न उन्हें 300 करोड़ रुपए का ठेका मिलने जा रहा है और न वे एमएलसी बनने जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपराध मुक्त मोकामा, तो ललन सिंह कह रहे हैं कि ये वही राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह हैं जिन्होंने सबसे पहले शंकर बारटोला में, मतलब जहां ललन सिंह का भी घर है, वहां अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को और बाद में अनंत सिंह को आसरा दिया था। तो जो लोग अनंत सिंह और दिलीप सिंह को आसरा दे चुके हैं शंकरवार टोला में, वे आज अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं। तो ललन सिंह की यह टिप्पणी जो है मोकामा की राजनीति को गरमाती है। मोकामा में लड़ाई अब तक दो तरफा नहीं हो पाई है, ये अपडेट है। बिल्कुल, तो क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा काम बिगाड़ सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं जेडीयू का इस बार? देखिए, मोकामा में पब्लिक ओपिनियन करने हमारी रिपोर्टर समरीन गई थी। जी जी। और शंकरवार टोला जहां से राजीव लोचन उर्फ अशोक सिंह हैं, वहां भी उन्होंने देखा कि मत विभाजन है। अच्छा। अनंत सिंह का बोलबाला वहां भी दिख रहा था। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मोकामा विधानसभा सीट की हमने कर ली, अब फिर से आते हैं पार्टी के ऊपर। जेडीयू पार्टी का क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या तैयारी है उन लोगों की पूरी? सिप्रा, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एक तैयारी तो उन्होंने पहले पूरी कर ली कि उन्होंने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा
22 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है, जिनमें 7 सीटें हम की शामिल हैं। तो अपने खाते की 115 सीटें के लिए उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिया, 7 सीटें जो हम के हैं उनके भी घोषित हो गए, तो यह काम वे पूरा कर चुके हैं। और आज नीतीश कुमार ने रैली, वर्चुअल रैली की भी शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार अपने माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, उन क्षेत्रों में जो जहां पहले चरण का मतदान होना है वहां रैली को संबोधित कर रहे हैं, अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, सेवा का मौका मांग रहे हैं। और आपको यह बता दें कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की ज्वाइंट रैली, एक्चुअल रैली होने वाली है। जी जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश होगी, एनडीए सरकार की उपलब्धियों को बताने की कोशिश होगी उन सभी रैलियों में। आगे बढ़ते हुए बात अब उजियारपुर विधानसभा सीट की, यहाँ को इस सीट पर क्या कुछ समीकरण फिट बैठता है? देखिए, उजियारपुर में लड़ाई तो अब सीधी है। आलोक कुमार मेहता आरजेडी के कैंडिडेट, अभी जीते हुए विधायक हैं, और बीजेपी के सील कुमार राय। लेकिन देखिए, आज उजियारपुर की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सील कुमार राय जो भाजपा के कैंडिडेट बने हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। टिकट लेने के बाद, या कहें टिकट मिलने के बाद, सील कुमार राय यह कहते दिखाई पड़े हैं वीडियो में कि मैं तो बीजेपी से टिकट मांगने ही नहीं गया था। अच्छा। मैंने तो अपना बायोडाटा एलजेपी में जमा किया था, मैं तो एलजेपी में चुनाव लड़ना चाहता था और बीजेपी ने मुझे बुलाकर टिकट दिया है। तो देखिए, ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं उजियारपुर में कि ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी को, क्या बीजेपी में कोई दूसरा बंदा नहीं था, बीजेपी में कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी में कोई दूसरा नेता नहीं था जिसे उजियारपुर में चुनाव लड़ाया जाता, कि सील कुमार राय को जो ये कह रहे हैं कि मैं टिकट मांगने ही नहीं गया, मुझे टिकट बुलाकर दिया गया है। तो ये उजियारपुर में ये वीडियो जो है आज वायरल है सिपरा। बिल्कुल, और वहाँ की आज सबसे बड़ी अपडेट जो है यही सामने आ रही है कि वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग कई सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। बात जाहिर है क्योंकि चर्चाएं तो होंगी। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं एलजेपी की, क्योंकि एलजेपी ने इस बार बहुत कुछ फंसा रखा था, बिहार एनडीए में फंसा रखा था, फिर बाहर हो गए, अब भी क्या स्थिति है? देखिए, एलजेपी परिवार में अभी शोक है, रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी थी, परसों ही अंत्येष्टि हुई है रामविलास पासवान जी की। लेकिन इसके बाद उनके यहाँ काम थोड़ा सा ठप पड़ा, स्वाभाविक भी है, बिल्कुल, क्योंकि अब तक दूसरे और तीसरे चरण के लिए किसी उम्मीदवार की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है मीडिया को कि इन्हें सिंबल मिल गया है। आश्वासन जरूर मिले हैं, चिराग पासवान से किसी की मुलाकात नहीं हो पा रही है और कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि उनका कैंपेन कैसे स्टार्ट होगा, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और किस तरीके से वो खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी स्थिति है। तो अभी लगता है 24 से 48 घंटा और वक्त लगेगा जब चिराग पासवान इलेक्शन कैंपेन में इस शोक के माहौल में भी उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, एक मुसीबत की घड़ी और एक बड़ा विषम परिस्थिति उनके लिए होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अगले विधानसभा सीट है वारसलीगंज, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, वारसलीगंज में क्या हुआ है सिप्रा, कि वारसलीगंज में बीजेपी की उम्मीदवार हैं अरुणा देवी, वो भी बाहुबली अखिलेश सरदार की पत्नी है, 2015 में चुनाव जीती। लेकिन बारसलीगंज में बीजेपी को महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह से अधिक खतरा जेडीयू के पूर्व विधायक की पत्नी से है। मतलब बारसलीगंज में बीजेपी का खेल सहयोगी पार्टी जेडीयू ही बिगाड़ रही है, क्योंकि अरुणा देवी की बादशाहत, या कहें कि बारसलीगंज में अखिलेश सरदार की बादशाहत प्रदीप महतो को मंजूर नहीं है। प्रदीप महतो और अखिलेश सरदार में हमेशा लड़ाई चलती रही है, प्रदीप महतो पहले विधायक भी रहे हैं। तो अरुणा देवी को जब एनडीए ने उम्मीदवार बनाया तो प्रदीप महतो जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जेडीयू के नेता हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने बगावत कर अपनी पत्नी आरती देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो आरती देवी जो वोट बैंक में सेंधमारी करेंगी, वो वोट बैंक में सेंधमारी होगी एनडीए के वोट बैंक में, नीतीश कुमार के वोट बैंक में। तो यहाँ अरुणा देवी को सिर्फ महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार से नहीं, आरती देवी जो प्रदीप महतो की पत्नी है उनसे भी लड़ना होगा और देखना होगा कि यह सेंधमारी किस तरीके से
चुनाव नतीजे को प्रभावित करती है। बिल्कुल, यहाँ पे एक अलग ही आबो हवा देखने को मिल रही है। एनडीए के भीतर ही घमासान, एनडीए के भीतर ही घमासान देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, और अगली विधानसभा सीट सहरसा सीट है, इसको लेकर क्या लगता है? क्या देखिए, सहरसा में बड़ा बवाल है। अच्छा, दोनों तरफ से बवाल है। सहरसा में क्या हुआ कि पहले आरजेडी ने अपने जीते हुए विधायक अरुण कुमार यादव का टिकट काटा। 2015 में उन्हें 1,02,850 मत आया था, और शायद मुझे ठीक से याद है तो बिहार में सबसे अधिक मत इन्होंने प्राप्त किया था आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया। कल दिन भर ये खबर चलती रही कि वहाँ रामदेव शर्मा को टिकट दिया जा रहा है। वे तांती जाति से आते हैं जो एससी एसटी में शामिल है, शेड्यूल कास्ट में। लेकिन रात 10 बजे अचानक से ये हुआ कि वहाँ लवली आनंद को टिकट दे दिया गया। आनंद मोहन की पत्नी, जिनकी चर्चा पहले ये थी कि वो सुपौल से चुनाव लड़ेंगे, तो अब टिकट मिल गया सहरसा से। तो रामदेव शर्मा का टिकट संभव नहीं हो सका। बीजेपी के नेता किशोर कुमार मुन्ना आरोप कर रहे हैं कि रामदेव शर्मा का सिंबल देकर वापस किया गया और इसके बाद उन्हें बेइज्जत भी किया गया। तो ये अलग तरह की सियासत है। तो लवली आनंद वहां से उम्मीदवार हो गई। देखिए, बीजेपी में मामला ये फंसा है कि बीजेपी में वहां कई उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, लेकिन इन दावेदारों के बीच ये खबर चलती रही कि लाजवंती झा नया चेहरा है, इन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से वहां टिकट के दावेदारों में किशोर कुमार मुन्ना, आलोक रंजन झा और संजीव झा हैं, तीनों पूर्व विधायक रहे हैं। लेकिन विद्रोह इतना उठा है कि अब ये खबर आ रही है कि लाजवंती झा के सिंबल पर ग्रहण लगता दिख रहा है। अब तक सहरसा सीट की घोषणा नहीं हुई है, तीसरे चरण में मतदान है, तो ये कहा जा रहा है कि अब टिकट जो है वो लाजवंती झा की किस्मत में नहीं जा सकती है, क्योंकि बगावत बहुत हो चुकी। अब यह टिकट फिर से आलोक रंजन की किस्मत में जा सकती है, लेकिन आलोक रंजन की किस्मत में भी गई तो वहां बगावत संभव है। संभव यह है कि किशोर कुमार मुन्ना बीजेपी से इस्तीफा दे दें और वहां चुनाव मैदान में आ जाएं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सहरसा में दोनों ही जगह यानी कि महागठबंधन और एनडीए दोनों में ही बवाल मचा हुआ है। और आज की ये इतनी विधानसभा सीट थी और कुछ पार्टी जिसके बारे में हमने आपको बताया कि आखिर पार्टी की स्थिति क्या है, पार्टी किस तरीके से चुनावी कैंपेन कर रही है और विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से समीकरण इस बार बिठाया जा रहा है और कहाँ पर क्या कुछ हलचल चल रही है। जाते जाते आज के इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। बिहार चुनाव से रिलेटेड ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप विधानसभा क्षेत्र में यानी कि मतदाता के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिहार में है वो है बरबीघा, यानी कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो 2,25,586 हैं। और वहीं अगर मतदाता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वो है दिघा, जहाँ पर 4,57,724 मतदाता हैं। तो अगले एपिसोड में यानी कि अगले वीडियो में हम कुछ और विधानसभा सीटों पर, कुल 10 विधानसभा सीटों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें Twitter पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।